में सबसे आगे हैं। पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत ताकतवर मुल्क है, अवाम बहुत अमीर है, माने या ना माने। 50 लाख का बैल सिर्फ अल्लाह को खुशनूदी के लिए काट रहे हैं हम, 24 लाख की गाय इसलिए गिरा रहे हैं कि मोहल्ले वाले देखें कि ये वो गाय है जो बादाम खाती है और दूध पीती है, ये हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ये मोहल्ले को ये दुनिया को दिखा रहे हैं, ये टीवी पे सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, ये कौन सा पाकिस्तान है? कौन सा पता था कि आप 2 घंटे बुक करवाए हुए हैं, आज हमें पता चल गया कि आप 2 घंटे बुक करवा के बैठते हैं, दूसरा कोई कलर बीच में कॉल नहीं कर सकता। अपनी जुबान को लगाम दे के बोला करो, तुम क्या बोल रहे हो? आप रियाजत भाई, आप पूछ रहे समीना से कि मैं कितनी दफा बोलूं पूरे टाइम में भी। जी बिल्कुल, 5 मिनट मैंने दिए इनको बोलने के लिए। नहीं नहीं, ये बात जाफरी ज़ैदी साहब। हाँ जी, 8 सेकंड का पूरा मैंने सुनिए सुनिए, ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बात सुनिए ज़ैदी साहब, आप बीच में आ गए जब मैंने उस बंदे का जवाब दिया। वो बंदा 3 दफा आके ये कह के गया है कि पंजाबी मुनाफिक होते हैं, खुशनू जो होते हैं मुनाफिकत करते हैं, ये है वो है। आपने कभी, हम आपको बड़ा मानते हैं, आपने कभी आके उसको मना किया? अच्छा सुने, मैं बोला हूँ आपको बड़ी तकलीफ हुई है। सुन ले ना, तकलीफ इसलिए हुई कि वो आपने सिर्फ एक अगर वो पंजाबी को कह रहे तो वैसे तो आपको पंजाबी तकलीफ हुई ना, या नहीं हुई? तो हाँ, तो मेरी बात सुनिए ना, तो जब उसने कहा था तो आप किस, उस वक्त आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं बोले उस इंटरप्ट? आप मुझे सुना रहे हैं गिरेबान और ये वो, आप उसको नहीं कहते कि जुबान को लगाम दो? अरे एक बात सुने, मेरा टॉपिक क्या है? आप लोग टॉपिक में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्यों अपनी पर्सनल लड़ाई लेके बैठ जाते हैं शो के अंदर? आप इस वक्त पंजाबी कहाँ से आ गया, बाजी कहाँ से आ गया, उर्दू स्पीकिंग कहाँ से आ गई, तो पंजाबी हिंदी ये सब कहाँ से आ गए? आप बात कर रहे थे मुल्क के लिए, अफगान के लिए बात कर रहे हैं सब सब सर सर फलाने ने यह कहा, अब्दुल कलाम आजाद ने यह कहा, फलाने ने यह कहा, मौजूदा की बात नहीं। चौधरी साहब एक सेकंड में आपको टाइम देती हूँ। जैदी साहब एक मिनट जी, बिल्कुल नहीं, आप अपने लीडर की जब करें, दूसरे लीडर को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, आप कभी हमने आपके एथनिक कभी किसी से किया, आप लोगों को कभी नहीं किया, लेकिन जब भी ये 2-3 बंदे आते हैं ये बात यहाँ से शुरू करते हैं, किसी को उर्दू का बोलने पे हमारे पे तकलीफ है, कोई कहता जी ये पंजाबियों का किया हुआ है, कोई कहता है पंजाबी ज़हनी गुलाम है, तो आप गुलाम नहीं थे? आप मुझे अभी मुगलों का बता रहे थे, देखे तो ना जैदी साहब जो है जनरल बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी बात पे करते हैं, किसी कॉलर पे बात करते हैं। और लियाकत साहब के 2 आवर्स जैदी साहब ने ले रखे हैं, तो मैं लियाकत साहब को बताना चाह रही हूँ कि सर वो एक तकिया निगाह है वो मेरे साथ रहते हैं, और मैं उनको मौका ही कितना देती हूँ बोलने के लिए। कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए होते हैं, तो मैं उनसे जवाब देती हूँ, आपसे तो सवाल करने की आप तो सिर्फ अपनी बात करके निकल जाते हैं, सिर्फ तजिया देते हैं अपना, वो सवालों के जवाब देते थोड़ा। ये देखे, मैं बार बार कहता हूँ कि ये शो जो है ये परदेश पाकिस्तान का है जी, इसमें हमें इलाकाई बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मना कीजिए इन लोगों को, सुने मना कीजिए, हम पूरे मुल्क के लिए बात करते हैं। किसी को हमारी उर्दू लहजे पे प्रॉब्लम है, किसी को हमारे पंजाबी होने पे प्रॉब्लम, यार हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अब हम तो बड़े लेवल की बात कर रहे हैं यार, आप सुनने का हौसला पैदा करें। मैं हर उस शख्स को कंडेम करता हूँ जो मजहब इलाके की बात सियासत और जो मजहबी बात करता है, जो फिरके बिल्कुल सही करता है, जो लिसानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम आपकी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हम खुद नहीं करते जी। बिल्कुल सही कहा, बात चले ठीक हो गया जी जनाब जी। मैं कहता हूँ कि हम कौम नहीं बन पा रहा है इसलिए कि हम फिरकों, हमको एक कौम बनना चाहिए, जो हमें जरूरत है इस वक्त एक कौम बनने की जरूरत है, फिरकों में तब ना हो खुदा के लिए, यही तो बात है कि हमेशा मैं नहीं करेगा, समझने की कोशिश करें। साहब का तजिया लीजिए जी, देखिए यही तो आपकी बात है जिसपे मैं हमेशा कहता हूँ जी, जाती साहब का तजिया लीजिए, एक न्यूट्रल पाकिस्तान की बात है, लेकिन आपको ये मेरी समझ में नहीं आई कि आप इस क्यों बोलने आए, आपको क्या हुआ? ये है कि आप जो है ना, अगर एक आदमी बोल के चला जाते हैं ना, उसको आप बढ़ावा दे देते हैं, वो बोल के चला गया उसको इग्नोर कर दें जी। यहाँ पे इस प्रोग्राम में ये जरूरत है कि अगर एक बोल लेता है तो दूसरा आके जरूर उसको डिफेंड करेगा।